सभी को नमस्कार। मैं हूं सुभाष। आप देख रहे हैं YouTube का प्राचीन काना चैनल को और मैं फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ में बात करूंगा अपने एक सब्सक्राइबर के सवाल के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हैं, अक्सर हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, यानी कि आध्यात्मिकता के बारे में, कि आध्यात्मिकता कैसे वर्कआउट करती है, इसका प्रोसेस कैसे रहता है। अक्सर क्या होता है कि हम सारे लोग कुछ ऐसे ख्यालों में सोच लेते हैं कि जैसे ये हम मृत्यु लोक पर जैसे हमारी सारी चीज़ें वर्कआउट करती हैं, काम करती हैं, इसी तरह से वहाँ पर भी ऐसा ही होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने एक सब्सक्राइबर, यानी कि उनका नाम है रोहनी जी, रोहनी जी के सवाल के माध्यम से कुछ अपने इनसाइट आपके साथ में शेयर करूंगा, जो आपको मदद करेगी बहुत सारी बातें जानने के लिए। जो बातें अक्सर लोग आपको नहीं बताते, वो इधर उधर की बातें जो बुकिश नॉलेज होती है वो बताते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की, जिससे कि आपके लाइफ में वैल्यू एड हो सके। तो रोहनी जी मुझसे पूछ रही हैं कि हेलो सर जी, क्या हमारे सारे रिलेशनशिप मदर फादर सिबलिंग पार्टनर कार्मिक अकाउंट की वजह से होते हैं? अगर हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो क्या उनसे फिर से मिला जा सकता है? आई लॉस्ट माई मॉम इन लास्ट मंथ, तब से मुझे लगता है कि कुछ अधूरा रह गया। क्या वो वापस मिलेंगे? प्लीज़ बताइए। तो जैसे कि मैंने बताया कि रोहनी जी हमसे पूछ रही हैं कि हमारे लाइफ में जितने भी रिलेशनशिप में लोग आते हैं, चाहे वो हमारे पापा हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, या कोई भी रिलेशन वाले रहते हों, क्या वो सारे लोग हमारे आसपास जितने भी मंडराते हैं या जिनसे भी हमारा बॉन्ड बनता है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ कार्मिक अकाउंट वाले रहते हैं? तो इसका आंसर है, अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊँ तो बिल्कुल यस। आपके आसपास जो भी जितनी भी चीज़ें आएंगी, मोस्टली चीज़ जो आपकी लाइफ साइकिल को इंगित करते हैं, यानी कि उसके आसपास आपको आप चलते हो और वो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट रखते हैं, यानी कि इस करंट लाइफ साइकिल में वो बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो बिल्कुल वो सारी चीज़ें आपके कार्मिक अकाउंट से रहती हैं। चाहे तो आप इसमें, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक बाइक का होना जो निर्जीव वस्तु है, वो भी एक आपके लाइफ साइकिल का पार्ट है, कि आप कब बाइक सीखोगे, आप कब बाइक चलाना शुरू करोगे, इस तरह से कुछ भी। आप अगर एक डॉगी को रख रहे हो तो डॉगी भी एक पहले से प्री डेस्टिनेटेड है, क्योंकि उस डॉगी के साथ में भी आपके जो है कार्मिक अकाउंट लिंबित हैं। इसी के साथ साथ में, अब ये तो बहुत बड़ी बात है जिसके थ्रू हम इस संसार में आएंगे, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, या हमारे सिबलिंग हैं, भाई बहन हैं, सारे लोग जो रहते हैं, बिल्कुल वो हमारे कार्मिक अकाउंट की वजह से ही हमारे आसपास रहते हैं। और वो क्यों रहते हैं? देखिए, आपने ऐसा देखा होगा कि अगर मैं भाई बहन की ही बात करूं, आपने देखा होगा कि जब तक हम एक टीनेजर एज में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, और जब तक हमारी शादी नहीं होती है, और जब तक उन शादियों के माध्यम से दूसरे कार्मिक अकाउंट वाले लोग हमारे आसपास नहीं रहते हैं, तब तक सारी चीज़ें सही चलती हैं। लेकिन जैसे जैसे अपने अपने लोग अपने अपनी फैमिली में सेटल होने लगते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक जो जुड़ाव है, एक कार्मिक अकाउंट का जो बंधन है, वो थोड़ा सा ढीला होता चला जाता है, लचीला होता चला जाता है। आप अपने घर पे भी देख सकते हैं कि अगर एक भाई है तो बहन से थोड़ा दूरी बना लेगा, और अगर दूसरा भाई है तो दूसरे भाई से दूरी बना लेगा। इसी तरह से मतलब एक रिलेशन दूसरी दूसरी जगह बिल्ड होना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एक सर्टन पीरियड के लिए आपका जो कार्मिक अकाउंट रहता है अपने भाई से या बहन से या माता पिता से, वो एक सर्टन पीरियड के लिए रहता है। देखिए, आपने उनसे जन्म लिया है, आप उनके सिबलिंग हैं, बिल्कुल इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। जब हम बात करते हैं एक्ट टू एक्ट, यानी कि एक्टिविटीज़ के बारे में, तो उस समय वो थोड़ी धीमी पड़ने लगती हैं। धीमी पड़ने से मतलब है कि देखिए, जैसे जैसे आपके कार्मिक अकाउंट उनसे कम होने लगते हैं, तो आपका उनसे मेल जोल गठजोड़, यानी कि अगर वो पॉजिटिव वे में लोगे तो आपसे जो भी उनकी अच्छी बातें थी वो कम हो जाएंगी। अगर आपके साथ में उनका रिलेशन पहले से ही टॉक्सिक है, पहले से ही पॉइजन वाला है, तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और अच्छे की तरफ हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा आप उनसे घुल मिल कर रहते थे तो बहुत कम मिलना जुलना हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि नेचर इस तरह से बैलेंस करके चलता है आपकी सारी चीज़ों को, कि जिसमें आप किसी भी चीज़ को अत्यधिक ना कर सको। लेकिन हाँ, हमारी फिर भी एक जिज्ञासा ये रहती है, हमारे एक सबका थॉट प्रोसेस ये रहता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे ये है स्वयं सो, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी की गर्लफ्रेंड है, अभी आपके साथ में कुछ समय के लिए रही है, कह सकते हो कि 2-3 साल आपके साथ में रिलेशन में रहा, लेकिन जब उनका कार्मिक अकाउंट बना है कि अब उसको दूसरे के साथ किसी के साथ रहना है, तो ऐसे में क्या होता है कि आप उसको पचा नहीं पाते हो। जब आप उसको नहीं पचा पाओगे तो आपके साथ में दिक्कतें, मतभेद यानी कि स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपकी एक्ट और रिएक्शन करने की जो क्रिया रहती है वो बहुत बढ़ जाती है, उसकी जो रेस्पॉन्ड करने की रहता है वो बहुत क्यूक रहने लगता है। इसमें क्या होता है कि आप जो रिएक्शन देते हो
उसमें आपकी जो भी कार्मिक अकाउंट है फिर इसी तरह से बिल्ड होते चले जाते हैं और फ्यूचर में फिर से आप इसी चीज़ का सामना करते हो। तो बिल्कुल मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, जो भी लोग आपके आसपास आ रहे हैं, बिल्कुल उनसे हमारे कार्मिक अकाउंट रहते हैं। अब रही बात आपका, इसमें अगला क्वेश्चन था कि जैसे कि आपने बताया कि जिनसे हम प्यार करते हैं और वो इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं, क्या हम उनसे फिर से मिल सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? तो बिल्कुल जैसे कि आपके सवाल में ही आपका आंसर है, जैसे कि आपने पूछा और मैंने उसका आंसर करा कि जो भी लोग हमारे आसपास रहते हैं वो हमारे कार्मिक अकाउंट वाले ही रहते हैं। तो बिल्कुल ये फैक्ट है कि उनसे हम मिलते हैं, नो डाउट, लेकिन इसमें शर्त एक है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और सब लोगों से ये सवाल भी है मेरा और उनको मैं बताना भी चाहता हूँ अगर आप आंसर नहीं कर सकते। देखिए, अगर आज के पेरेंट्स कल को आपके भाई बन के आते हैं या आपके बच्चा बन के आते हैं या किसी भी तरह से, क्योंकि नेचर के यहाँ पे ये जो पूरे रिलेशन रहता है ये इतने बाउंड नहीं रहते। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि आप किसके साथ में रहकर क्या लर्निंग सीख रहे हो, नेचर जो चाहता है आप उसको परिपूर्ण कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो जैसे मैंने बताया कि सपोज करो कि आज के यानी कि रोहिणी जी के जो आज के पेरेंट्स हैं, अगले वाले जन्म में रोहिणी जी के बच्चे बन के आ जाते हैं, तो आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो वही हैं या कौन है? कई बार क्या होता है कि इन वंस इन करोड़ कह लो, ये बहुत रेयर रहता है कि अगर जब बच्चे का पुनर्जन्म होता है, देखिए हमें तो पता ही है सारे पुनर्जन्म होते ही हैं, फिर से रिबर्थ होता ही है, लेकिन जब इसको पूरा हाईलाइट बना के देखते हैं मीडिया के हिसाब से और अपने पूरे लॉजिकल माइंड के हिसाब से, तो उस हिसाब से उस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी हम सोचते हैं कि किसी का पुनर्जन्म हुआ है, जैसे मैंने बताया कि करोड़ों में कोई एक तो होगा जो बताएगा कि मेरा पहले इस घर में पुनर्जन्म था या उस सिटी में था, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव रहता है कि उनको सारी चीज़ें पता रहता है। लेकिन जो बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, 99% की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे लोग कभी भी नहीं बता पाते। तो इस स्टेज में आप नहीं समझ सकते कि जो मेरे पेरेंट्स थे आज वो किस फॉर्म में मेरे पास में है, जो पहले मेरे बच्चे थे आज वो मेरे किस फॉर्म में है। हो सकता है कि आज के जो आपके भाई आने वाले समय में वो आपके हस्बैंड बन जाएं, क्योंकि देखिए बॉडी के अंदर जो सोल है वो तो सोल है, लेकिन ये बॉडी का जो ढांचा वो अपने दूसरे तरह से बन रहा है। आप किसी से शादी जो करते हो, देखिए आप क्या कहते हो कि शादी के बंधन सारे ऊपर बन के आते हैं, मैं भी आपको यही समझाता हूँ, लेकिन ये समझाने का परिपेक्ष है, इसको एक डीप लेवल पर आप समझोगे तो पता चलेगा। लेकिन आज आने वाली लाइफ में यानी कि आने वाली लाइफ साइकिल में आपकी जो वाइब्रेशंस है उस पार्टिकुलर आत्मा से ऐसी बनती है कि इसके साथ में मैं शारीरिक संबंध बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, और इसके साथ में अगर कोई दूसरा पर्सन है तो इसके साथ में मैं भाई बहन वाला रिलेशन रख सकता हूँ। आप इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। तो कहना मैं ये चाहता हूँ, देखिए आत्मा तो वही है लेकिन ये बॉडी बदल गई है, आत्मा की वाइब्रेशंस उस फ्रिक्वेंसी पर काम कर रही है जिसके हिसाब से आपको फील लगता है कि हाँ ये मेरा सोलमेट होगा, ये मेरा भाई होगा, ये मेरे पिता होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग आपको खुल के भी बताते हैं, जैसे मैंने बताया कि वंस इन करोड़ होता है, तो यस ऐसा होता है। इसके बाद में उनका इसमें लास्ट में भी एक सवाल था, उसको भी मैं पूरा बता देता हूँ कि उन्होंने बताया कि लास्ट मंथ में उनकी मोम की डेथ हुई है, तब से उन्हें कुछ लगता है कि कुछ अधूरा रह गया है, क्या वो वापस मिलेंगे? तो जैसे कि मैंने इसी में आपको समझा रहा था कि रोहिणी जी देखिए वो वापस तो मिलेंगे, लेकिन किस फॉर्म में मिलेंगे, क्या रिलेशन रहेगा, देखिए बहुत सारी चीज़ें क्या रहती हैं। रोहिणी जी अभी आपको क्या लगता है कि आप एक मानव योनि में हो यानी कि एक इंसान के रूप में हो, लेकिन मैं ये जानता हूँ मेरी समझ से या जितना ज्ञान मुझे स्पिरिचुअलिटी का है, नेचर हमें वो देता है जो हमारी लर्निंग के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि आज आपकी मदर एक इंसानी रूप में थी, आने वाले टाइम में वो किसी और दूसरी योनि में भी जा सकती हैं। बस बशर्ते ये है कि आपके कार्मिक अकाउंट मेंटेन हो जाने चाहिए और उस पार्टिकुलर आत्मा को जो भी उस फॉर्म में वो आएगी उसको एक लर्निंग मिलनी चाहिए। अब ये ऐसा क्यों है, देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रचलन चला हुआ है इंटरनेट में, आपको मिल जाएगा कि जिसने मानव योनि पसंद कर ली है या उसमें एक बार उसने जन्म ले लिया है उसके बाद में वो उससे ऊपर बढ़ेगा लेकिन उससे कम नहीं आएगा। तो देखिए ये सब बकवास है, कोरी चिट्ठी बकवास है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि आप भी इससे मेरे आंसर से सेटिस्फाइड ना हो, अगर नहीं हो तो बिल्कुल आपको पूरा हक है
सेटिस्फाइड होने का या अनसेटिस्फाइड होने का, और बिल्कुल आप इसको नकार सकते हो, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि नेचर हमारे साथ में वही करता है जो हमारी लर्निंग के हिसाब से बेस्ट होता है, चाहे वो एक किसी पशु के रूप में हो, चाहे एक मक्खी के रूप में हो, चाहे एक इंसान के रूप में हो। तो नेचर की कभी भी बात पर या कभी भी इस पर हमें शक नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि आपने पूछा है कि क्या वो मेरी मम्मी जो लास्ट मंथ में गई हैं यहाँ से इस वर्ल्ड से, क्या उनसे हम फिर से मिल पाएंगे? बिल्कुल मिल पाओगे, बिल्कुल इस चीज़ से कोई भी इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन किस फॉर्म में मिल पाओगे और क्या आप उनको आइडेंटिफाई यानी कि रिकॉग्नाइज कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आप इसको देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा, और बाकी तो आप सब जानते ही हो कि जो भी हमारे आसपास हैं, अगर आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपको क्वेश्चंस के माध्यम से मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे साथ में भी आपका कार्मिक अकाउंट है। नहीं तो इस इंटरनेट पर करोड़ों लोग हैं और इस दुनिया में अरबों लोग हैं, तो आप समझ सकते हो। तो हर चीज़ की एक कड़ी से कड़ी बनती है, इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं आशा करता हूँ रोनी जी, मेरे द्वारा दिए गए आपके सवालों का आंसर आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसी तरह की वीडियो भी अगर कोई भी आपका परिजन या दूसरे लोग देखना चाहते हैं तो उनके साथ में भी शेयर कीजिएगा। और मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने हमसे सवाल पूछा और आप हमें फॉलो कर रहे हो, तो थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते अंत में मैं आपको एक और इस चीज़ में मैं ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, हमारी पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, जैसे कि आप सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के सेशन ऑन गोइंग चल रहे हैं, मैं धीरे धीरे करके सबका एक एक करके कर रहा हूं। अगर आप भी उसमें से एक हो तो प्लीज़ इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और जो भी पेन कष्ट आपके साथ हैं उसमें हमसे डिस्कस कीजिए। अगर आपको सच में वो ज़रूरत होगी या थेरेपी, तो बिल्कुल हम आपका साथ देंगे। आपका पैसे का पता ही है कितने रुपए हमें चाहिए, अब मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं दोहराऊंगा, लेकिन हाँ मैं फिर से आपसे अर्ज करूंगा कि प्लीज़ डोनेशन कीजिए, खुद से कीजिए चाहे हमें दीजिए, लेकिन डोनेशन कीजिए। क्योंकि देखिए, इसी बहाने एक PLR के माध्यम से एक आप अच्छा कर्म कमाने की कोशिश करोगे, किसी नीडी की हेल्प करोगे, स्पेशली जैसे कि मैं बोलता हूँ कि बच्चों के लिए अगर आप कुछ करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बड़ों के लिए तो कुछ ना कुछ उनकी लाइफ ऑलरेडी चल रही है और कैसे ना कैसे करके जुगाड़ कर लेते हैं। लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं, जो 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 10 साल के, जो कल को अगर आज आप उनको मदद करते हो किसी भी रूप में, हो सकता है कि कल को उनका भविष्य अच्छा हो जाए। तो इसलिए मैं उन बच्चों के प्रति ज़्यादा सचेत रहता हूँ और ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्योंकि आज के अगर वो इसी स्टेज पर रहेंगे, इसी तरह रहेंगे, तो उनके कार्मिक अकाउंट जैसे चलते आ रहे हैं ऐसे चलते ही रहेंगे। उनको लर्निंग और झेलना तो पड़ेगा ही, लेकिन उनके साथ साथ में उनको एक पैसा प्लेटफॉर्म भी देने की ज़रूरत है, जिससे कि उनके कार्मिक अकाउंट थोड़े से चेंज हो जाएं और उनकी आत्मा का डेवलपमेंट पहले से अच्छा हो जाए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी नोट के साथ में मिलते हैं आने वाली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।